इसका सीधा मतलब क्या है, बी वन इज इक्वल टू कितना है, वन है। हाँ भाई हम देख लेते हैं, और दूसरा मैंने आगे लाइन ही नहीं पढ़ी। आगे कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन 4b2 प्लस 5b3 इज अ मिनिमम। कॉमन रेशियो की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा, कौन, 4b2 प्लस 5b3। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर ये 1 है और मैं अपनी तरह से लेट कॉमन रेशियो जो है उसे x मान लू, अगर मैंने x मान लिया तो आपको पता होगा हमारे लिए सीरीज हो जाएगी 1, फिर 1 इंटू एक्स, फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। नहीं है ए आर ए स्क्वायर एंड डेट एस जीपी है ना। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि b2 कौन है भाई, x, और b3 कौन है, एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोई टर्म बोली उसने 4b2 प्लस 5b3, 4b2 प्लस, अच्छा 4b2 का मतलब कितना हो गया भाई, 4x और 5x स्क्वायर। ये कह रहा है मिनिमम कब होगा, माने ये कब मिनिमम होगा, बिल्कुल मैंने आपको सिखा रखा है इस केस में क्या करना है, बैठ रहेगा डिफरेंशिएशन। तो dz बाई dx कर दूं, दैट इज 4 प्लस में कितना 10x इज इक्वल टू 0 करते ही x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/5, राइट है। और इस पॉइंट पे अपना मिनिमम आ जाएगा, और मेरे को मिनिमम निकालना है तो क्वेश्चन वाला क्या चाहता है, मेरे से चाह क्या था, बस यही तो पूछे, आर आ गया, एक्स ही तो आ रहा है, तो माइनस का 2/5, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ थोड़ा मैंने इसमें जंप ले लिया था, क्योंकि अब थोड़ा मेरे पास टाइम जो है वो श्रिंक होता था, नहीं तो मैं इसके एक एक क्वेश्चन करा था, एक एक ये कर लिया, मतलब भगवान हो गया आप अपने लेवल पे, 11th में तो भगवान हो गया आप ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन में 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 3 नंबर्स ऑफ एन AP, 3 नंबर्स AP में, भाई 3 नंबर अगर AP में तो इसका मतलब लेट नंबर्स आर, ऐड तो नहीं करा रहा बाद में, नहीं करा रहा, ठीक है। लेट नंबर्स आर a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी भी ले सकता था, है ना, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। आगे क्या बोल रहा है, अगर अपन पहले नंबर में 8 जोड़े, ठीक है, देन वी गेट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू 26, तब हमारे को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाता है। अगर सिर्फ पहले टर्म में 8 जोड़ दे, तो अगर मैंने सिर्फ पहले में 8 जोड़ दिया तो इसका मतलब a प्लस a, बाकी में तो छेड़ना ही नहीं है, इसका मतलब यहां तक ये अभी तक क्या था, AP था, 8 जोड़ने से पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि GP हो गया, राइट। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे इसने ये भी बोला कि वी गेट ए जीपी विद द सम ऑफ द टर्म्स इक्वल टू 26, इसका मतलब ये कि इन सब का सम भी बोल गया बेचारा, इन सब का सम बोल गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3a प्लस 8 प्लस 3d इज इक्वल टू 26, ऐसी फील दे रहा भाई, दैट इज 3 टर्म्स a प्लस d इज इक्वल टू 26 माइनस 8 दैट इज 16 नहीं 18, तो इसका मतलब ये क्या, कितनी बार 6, इसका मतलब a प्लस d बराबर कितना आ गया 6, इससे कुछ फायदा अभी तक तो बहुत हैरान करने वाला फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन यहां ऊपर एक काम बना था जो रह गया, ये तीनों अभी तक किस में थे, AP में, अगर AP में तो इसका मतलब नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, अभी तक तो कोई मतलब नहीं है। आगे क्या कुछ और दिया इसने, फाइंड द नंबर्स, बाकी तो कुछ नहीं, अच्छा नीचे वाली GP है, अच्छा अगर भाई जो नीचे वाली GP मैंने यहां का तो अभी तक यूज नहीं करा ना, है ना, इसका भी यूज कर लेता हूं, GP होने का यूज कैसे करते हैं, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे वालों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना भाई, ये तो हो गया 36, इधर हो गया a प्लस डी, a प्लस 8 इंटू a प्लस 2d, ये तो हुआ सही है। अच्छा जिसमें भी अगर आप थोड़ा और दिमाग लगा लोगे तो थोड़ा इसको कम भी कर सकते हैं, मैं आपके सामने दिमाग लगाता हूँ, 6 प्लस डी, नहीं है ये 6 प्लस डी क्यों हो गया, सोच लेना आप, हाँ a प्लस डी को अपने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई मार दूं, करना ही पड़ेगा और क्या करेंगे, 6a प्लस 8d प्लस 6a प्लस
8D, अरे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा मल्टीप्लाई वही कर दिया, दो उन्हीं नंबर्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर गया। हाँ भाई क्या क्या मल्टीप्लाई करना था, प्लस 48 है ना भाई, प्लस का 48 इज इक्वल टू कितना 36, इसका मतलब 6A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 12, कुछ रह गया क्या, AD भी रह गया क्या, इस AD की वजह से तो अड़ेगी गाड़ी भाई, ये तो काम बन गया मेरा, राइट है। अब क्या क्या कर सकते हैं और, अपन मैंने काम थोड़ा लंबा कर लिया बताएं, एनीवे मैं चलता रहता हूं, अब रुकने का समय नहीं है। 6A की जगह 6A, 8 की जगह 8, और D की जगह मैं लिखता हूं 6 माइनस A, सोच लिया, प्लस यहां पे लिखा हुआ है AD, इसका मतलब A इंटू 6 माइनस A, राइट है, एंड दैट इज ऑल माइनस 12। अब मेरे को क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी, सही है, और A आएगा ही आएगा, फाइनली इट इज 48, उधर जाकर के माइनस का 60, यहां से रह गया 6A माइनस का 8A, बोले तो माइनस का 2A प्लस A इंटू दिस 6A माइनस का A स्क्वायर, राइट है भाई, फाइनली पूरी कहानी को उधर लेके जा रहा हूं, A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कोई है ऐसे दुनिया के दो नंबर जो अपने को 4 के डिफरेंस पे 60 दे दें, 10 और 4, 10 और 6, लेकिन 4 का डिफरेंस कहां होता है, अच्छा हाँ ले लेंगे ना, प्लस का 6 माइनस का 4, तोड़ दूं फिर मैं, A स्क्वायर माइनस का 10A प्लस का 4A माइनस 60 इज इक्वल टू 0, गुड। तो अपने पास में कितना आगे भाई, A की वैल्यू एक तो 10 आ रही है और एक माइनस 6 आ रही है, श्योर, अपने पास A भी आ गया। अब अपने पास A आ गया, D चाहिए, बोलो आप D करे तो तैयार बैठे, D इक्वल टू 6 माइनस A, तो D इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 10, बोले तो माइनस 4, और D इक्वल टू 6 माइनस A, 6 माइनस माइनस 6, बोले तो 12, सही है, मर्जी है जो पूछे, आंसर आ गया होगा, ठीक है ना भाई, नहीं फाइंड GP, बाकी इट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं शायद थोड़ा कोई लंबा ट्रैक पे उतर गया, A माइनस D और A और A प्लस D से थोड़ा आसान मुझे भी लगा, चलिए कोई बात नहीं, मतलब तड़फना जरूरी नहीं है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं, किसी ने करा 52 हुआ किसी का, एक बच्चे का, बहुत बढ़िया, और बस एक का ही इन टोटल, दो का हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द सेकंड द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, क्या सेकंड फर्स्ट और थर्ड, ये कितनी सही चीज है ना, सेकंड फर्स्ट और थर्ड, सेकंड इज A प्लस D, ठीक है, फर्स्ट इज A एंड द थर्ड इज A प्लस 2D। अभी क्या कह रहे हैं, ये तीनों किस में भाई, AP में, ना 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 ना, AP के ये जो है, ठीक है, ये GP बना रहे हैं, ये है AP में, लेकिन AP का दूसरा पहला और तीसरा GP में, नहीं ऐसा। अब क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहे बस कॉमन रेशो बता दो, नहीं है, ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, लिख लो सीधा सही, A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर प्लस 3D 3AD, सही भाई, उड़ा दूं इसको, इसका मतलब ये कि फाइनली अगर देखा जाए तो D कॉमन ले लेते हैं, अंदर ही अंदर बचेगा D प्लस 2D प्लस 3A इक्वल टू 0, तो दो बातें हो सकती हैं, D इक्वल टू 0, लेकिन उसने नॉन जीरो बोला है, सही है, अच्छा, और इधर से D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, श्योर, अगले ने कुछ A के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं, अच्छा, अब A के बारे में अपने कोई कुछ करना पड़ेगा भाई, क्या कुछ किया जा सकता है क्या, मुझे तो नहीं लगता, आंसर बोलना क्या है इसके पीछे से, माइनस 2, A के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, कॉमन डिफरेंस इज नॉन जीरो, फॉर्म इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दैट ऑर्डर, नहीं अपन सही सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अपन ने कुछ गलत सोचा, बाकी मेरे को एक ही चीज का डर है, A की वैल्यू,
तब आ जाएगा। बिल्कुल, अब मैं लास्ट स्टेप यही लगा रहा हूँ, मैंने यही कह रहा था कि मैं यहाँ तक कोई भी गलती नहीं कर रहा, अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, डी को रखना है। अगर मैंने डी को रख दिया तो डी को रखते ही क्या हो जाएगा, ए माइनस थ्री ए बाई टू, और यहाँ पे देखा था इट इज ए, एक मिनट पहले मैं इसको खत्म कर लूँ, ए माइनस थ्री ए, सही, इट इज कितना माइनस का ए बाई टू, इट इज ए एंड इट इज माइनस टू ए, दे आर इन जी पी, राइट है क्या? अगर ये जीपी में है तो मुझे यहां से एक और चीज वापस पता चल रही है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, वो तो बहुत ही है, तो फिर हाँ अपन अगर भाई देवे ये बेवकूफी में उतर गए कि जीपी को प्रूव करने वाली तो बेवकूफी हो जाएगी। आर निकाल लो, आर आपको तो आर निकालने से मतलब है उस बिजनेस से मत हटो, ए अपॉन माइनस का ए बाई टू और माइनस टू, काम खत्म नहीं है। अरे एक कदम दूरी पे बैठे हुए थे आप, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहो, धक्का लगाते रहो, काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नहीं हुआ, इतना पढ़ भी लिया था क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन 53 नंबर, कितने लोगों ने बना लिया, किसी का बना, तो दो का बन गया मतलब बन जाएगा, मतलब तीन का बन गया भाई, आ जाओ दिमाग लगाते हैं। कह रहे द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर इक्वल, फर्स्ट और थर्ड टर्म आपस में बराबर है एपी के रेस्पेक्टिवली टू द, अच्छा आगे और भी बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर इक्वल रेस्पेक्टिवली टू द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी, नहीं है समझ में, एपी का पहला और तीसरा टर्म जो है वो जीपी के पहले और तीसरे टर्म के बराबर है, दोनों का फर्स्ट टर्म इक्वल है। हाँ एक सेकेंड, एपी का फर्स्ट टर्म ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये तो हो गया एपी, अब जीपी में आ जाओ, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, सही है, जीपी में ले लूं, अब काम यहां तक बन गया। आगे क्या बोल रहे हैं सुनते जाओ और सोचते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहे हैं एंड द सेकेंड टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी बाय 0.25, क्या 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 मतलब है इसका, क्या क्या मतलब है, एपी का दूसरा टर्म जीपी के दूसरे टर्म से 0.25 ज्यादा है, एपी का सेकेंड टर्म, एपी का सेकेंड टर्म बोले तो ए प्लस डी बराबर में ए आर प्लस 1/4, एक इक्वेशन देने की कोशिश कर रहा है शादी, 1/4 हुआ ना, आगे दे रखा है, कहां दे रखा है, अच्छा आगे चल रहे ना, वो तो अभी पहुंचूंगा, कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, अच्छा एपी के पहले पांच टर्म बताओ, अगर इसका पहला टर्म दो है, अरे बदतमीज पहले दे देता, कितनी दूर लेके आया, ठीक है फिर से बांधो हर चीज, ये टू टू प्लस डी और टू प्लस टू डी, ये किस में है भाई, एपी में, अच्छा यहाँ पे दिमाग लगाओ, दो दो आर और टू आर स्क्वायर, ये सब किस में है, जीपी में, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, टू प्लस डी बराबर में टू आर प्लस 1/4 है भाई, सही है, अब क्या कह रहा है आगे, आगे तो कुछ नहीं कह रहा भाई, ठीक है पूरी कहानी में दो अननोन है, एक आर और एक डी, ये आए और हमारा सब बन जाएगा, राइट है, जिसमें भी हमारी पूरी पूरी नजर रहेगी डी मिल जाए बस, क्योंकि डी मिलते एपी आ गया, एपी आते पहले पांच टर्म बताने क्वेश्चन खत्म, हमारे को और इस क्वेश्चन से कोई लेने देने, आ रहा है न्याय मेरी तरफ से कोई पंगा नहीं, सही है ना, मतलब आपको बिल्कुल लालची रहना चाहिए, इसमें डी आ जाए काम बना, काम खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या क्या किया जा सकता है उस पर नजर रखते हैं, आज के टाइम पे तो मेरे पास में सिर्फ एक ही चीज है कि ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आया हुआ है डी और आर में, अब और दिमाग लगाते हैं, नीचे वाले को सॉल्व कर लें, धीरे धीरे सोचते हैं, आपके उससे सोचेंगे तो शायद थोड़ा मैं हैरान रह जाऊंगा, डी माइनस टू आर इजिकल टू कितना, माइनस का इसको इधर ले आया तो माइनस टू, तो माइनस का 7/4, पहला काम खत्म हो गया, थर्ड टर्म इक्वल भी दे रखिए क्या, कहां लिखा है, मैंने क्वेश्चन में नहीं पढ़ा क्या, मैंने ये पढ़ा था पहला और तीसरा उसके पहले और तीसरे से इक्वल है, द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी आर इक्वल
रेस्पेक्टिवली टू द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी. आगे क्या दे रखा है, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी एपी एक्सीड द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी बाई 0.25. मुझे तो नहीं लगा ऐसा कहां लिखा है. फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इक्वल दे रखिएगा. हाँ ये यही तो ना, एपी का थर्ड टर्म उसके थर्ड टर्म के बराबर है, एक ही रिलेशन है अपने पास अभी. हाँ ये कह सकता हूं मैं कि हमारे पास दूसरा रिलेशन ये है कि ये 2 तो बराबर हो गया, इधर से 2 + 2d बराबर किसके, 2r² के. श्योर. अब मैं यहां से d की वैल्यू उठा करके, ना मैं d को क्यों बदलूं, r को बदलूं, नहीं मेरे पास चॉइस नहीं है, r में बदल दे r² आएगा. नहीं ये समझ में आया, अरे मेरे को d को रखना पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक दे गया पहले, d की वैल्यू रख दूं. अगर मैं d की वैल्यू रख दी तो इट इज 2 + 2d बराबर हो जाएगा 2 × 2r - 7/4 = 2r². सही है. वैसे मेरी बहुत सख्त जरूरत नहीं बची अब. क्यों नहीं बची, कारण सुनो. जैसे आप इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक तैयार है, इससे आपके पास आर की दो वैल्यूज आएंगे, उन आर की दो वैल्यूज से डी की दो वैल्यूज आएंगे, उन डी के आते ही आपके पास एपी आ जाएगी. कर लेंगे आगे, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, अपन अपने उस हिस्से का काम करते हैं ना. अब तो कुछ नहीं बचा, ये क्वेश्चन रह गया एक आधी शीट करी आपने. हाँ चलो मिला लेता, थोड़ा सा मिला लेते हैं. ठीक है ये किसकी थी, 54 59 ये था. अब तो अपन शीट में आ गया यार. हाँ कोई बहुत दर्दनाक है क्या 54, ऐसा क्या भयंकर है क्या, वो भी देख लेते हैं. इतना आपने हवा ग्रेड गिरा ना, 54 दिया था क्या, 50 अच्छा 54 पे टिक नहीं कर रखा ना. फाइंड फोर नंबर ऑफ द फर्स्ट ही, हाँ फाइंड नंबर, फाइंड फोर नंबर्स द फर्स्ट थ्री ऑफ विच फॉर्म्स जीपी एंड लास्ट थ्री फॉर्म एपी. क्या बात है, सही है. चार नंबर ढूंढने हैं जिनमें से पहले तीन तो किस में, जीपी में, तो ले लेता हूँ चार, पहले तीन तो जीपी में ले लिया. अच्छा अगले तीन जो हैं AR, AR square और ये AR cube लूं, ये जमेगा नहीं अपने को, या मुझे कुछ और लेना चाहिए. लास्ट तीन जो हैं पहले तीन GP में और पीछे से तीन AP में, क्या लिया जाए कि सब खुश हो जाएं. नहीं आया, कुछ मत लो, इनकी चलन में चलने ही मत दो. अगर आपने इनकी चलने दी तो आप मर जाओगे. ABCD ले लो. नहीं आया, इसका खेल एक ही तरीके से मारा था, नहीं तो आप उलझ जाओगे. अगला कह रहा है B² = AC, एक बात. दूसरी तरह से अगला कह रहा है 2C = B + D. नहीं आया, इससे आसान होगी आपकी खेल. अब आगे सोचो कहां है क्वेश्चन. द सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज 14, इसका मतलब A + D = 14. आगे चलो, आगे क्या बोलता है, एंड द सम ऑफ मिडल टर्म इज, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये पकड़ में आ सकता है, C + D ना, B + C बराबर कितना दे रखा भाई, 12. क्या करूं बोलो, इन दोनों का यूज करके मना रहा है कि मेरा, कि मैं उसका यूज करूं कैसे, किसको किसमें डाला जाए. बहुत ऐसा होता है ना, जैसे हलवाई जैसी स्थिति होगी मेरी, ठीक है ना, कि सामने पकवान इतने सारे पड़े, क्या खाऊं क्या खाऊं, लेकिन समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहां से करूं. ठीक है सब दे दिया इसे, मेरे को लगता है आंसर आके रहेगा, लेकिन अपने को शॉर्टेस्ट पाथ जो मिल जाए बढ़िया है. मुझे लग रहा है कि हम लोग अच्छा यहां से बी और डी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं. yes, नहीं अरे यही तो ना, अब क्या है, इतनी सारी चीजें आ जाती है ना, मन खराब हो जाता है. मुझे लगता है मुझे इन दोनों से बात करनी चाहिए पहले, कारण बता रहा हूं मैं बी को गायब करना चाह रहा हूं. हाँ आंसर आना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट टेस्ट क्या रहेगा, मैं पैर नहीं उलझाना चाह रहा हूँ.
2b प्लस 2c बराबर 12, हाँ 24। पहली इक्वेशन इसका डबल करके लिखा, इसको लेके हम b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस डी, राइट है, हटाया इसको, यहां हो गया 3b इज इक्वल टू कितना 24 माइनस डी, राइट है। अब बी और डी में एक रिलेशन आ गया मेरे पास, सही है। अब मैं चाहता हूं इससे मिलना, ए इज इक्वल टू कितना 14 माइनस डी, सही है। अरे इससे मैं सोच रहा हूं लेस कर दूं, हटा दूं, यहां से मेरे को मिल गया 3b माइनस ए इज इक्वल टू कितना 10, राइट है। अब मैं ए और बी में आ चुका हूं, ए और बी में एक ही रिलेशन है उधर का, मेरे को लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा लंबा जाऊंगा, थोड़ा छोटा रास्ता ढूंढो, छोटा रास्ता सोचो। अच्छा एबीसीडी का सम ले लें तो क्या मिल जाएगा, देखो हाँ तरीका तो बुरा नहीं है, इसके दिमाग से खेलेंगे। मैं क्या सोच रहा था, पहले मेरे दिमाग से सोच लो, मैं चाहता था कि मैं बी की वैल्यू निकालूंगा और वहां रख लूंगा, लेकिन बी की वैल्यू अगर मैंने वहां रख दी तो सी अटका रहेगा, थोड़ा सा अभी भी लंबा लग रहा है। ये कह रहे हैं अब तक इसके बारे आइडिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपके पास में 26 पड़ा है, जिसमें बी प्लस डी की जगह पर आपके पास में 2c पड़ा है, तो एक तरह से आपके पास में ए प्लस सी प्लस 2c मिला के ए प्लस 3c बराबर 26 पड़ा है। नहीं है, एक चीज तो ये मिली। अच्छा अब आपके पास में ए से मतलब अपने किस किस का यूज कर लिया, इन दो का कर लिया और इसका कर लिया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का यूज नहीं हुआ है। अच्छा अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं, स्क्वायर करूंगा तो मतलब मैं इसलिए नहीं खा पा रहा कि मेरे को ज्यादा खाना है, इसका और इसका इसका और इसका और इसका, ये कह रहे हैं अब ये इसको पढ़ा रहने दो, इसको इसमें से घटा लो आप, राइट है। अच्छा इसमें से घटाता हूं तो ये गया, प्लस करा माइनस करा माइनस ए इज इक्वल टू 26, बी का वैल्यू यहां पे रख दूं, मेरे को पता है क्या आपको वो फील आ गई क्या, मतलब मेरे को जो फील आ रही है, मुझे ये फील आ रही है कि मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, सब दे रखा है, आंसर तो आएगा ही आएगा लेकिन एंट्री कहां से करी जाए। अच्छा एक सेकंड, निकालना क्या हमने, क्वेश्चन नंबर में कहता है चारों नंबर निकालना है ABCD, अब तो अपने को मतलब दौड़ना ही चाहिए, बिल्कुल इसमें रुकना बेवकूफी है। चलो और सोचते हैं, इसको हटा लेते हैं, 3b माइनस a इज इक्वल टू इतना, राइट है, नाम टेकिंग, मेरे को किसी एक का तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इसका नहीं तो यूज कैसे होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का, क्वाड्रेटिक बन के ही रहेगी, तो फिर डरना किस बात का, इसमें गोता लगा लिया जाए। अगर मैं करता हूं इसको ए स्क्वायर प्लस में 9c स्क्वायर इज इक्वल टू में 26 का स्क्वायर, सॉरी प्लस के अंदर कितना 6ac इज इक्वल टू में 26 का स्क्वायर, ये बना पहला काम, राइट है। और अगर अपन ऐसा कर लिया तो अपने को बदल गया, यहां से ए स्क्वायर प्लस में 9c स्क्वायर प्लस में ये 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, सही है, और ये लंबा काम यहां से चालू हो गया, ठीक है। दिख रहा है ये आसान, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि 3-3 के स्क्वायर का सम 26 का स्क्वायर है। और इधर से हमारे पास क्या क्या पड़ा है, एक सेकंड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर में 144 पड़ा है, पहला काम खत्म। इसका काम यहां से पड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad,
बराबर में कितना पड़ा है, 14 का स्क्वायर बोला तो 196, सही है। नीचे कैसे, इसमें वो अपने वहीं से तो आए। हाँ अरे रुको 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 रुको, अपन टाइम वेस्ट करने वाले हैं शायद। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये भी टाइम वेस्टिंग है, इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और सोचते हैं, फटाफट सोचते हैं, बी स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, बी स्क्वायर की जगह अगर वैल्यू रखता हूँ तो मेरे को आ जाएगा बी सी के टाइम पे बी सी में तकलीफ आ जाएगी। एक तरीका, तरीका नंबर दो पे आते हैं। रुक जा, चल रहे हैं अपन हर तरफ से चलेंगे भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 2c माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह ac, ना ना एक से रुको रुको, हाँ एक एक करके आइडिया। ए प्लस 3c से रखेंगे कहाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी में, देखो ये भी आइडिया बुरा नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज है, ये शायद बहुत क्लोज है। 12 माइनस सी का स्क्वायर इंटू में 26 माइनस सी है ना, माइनस 3c इंटू सी, ये शायद अम्मा आ गए क्लोज, अब सी आ गया, नहीं है नहीं है, यहां से सी आ जाएगा अपने पास। अच्छा जो भी सी आएगा, अब एक मिनट पहले अपन बहुत, क्योंकि इतने एंगल हो गए ना कहानी के कि किस एंगल से समझे कहानी को, मजा आ रहा है, ठीक है। एक सी आ गया, अब सी के आते अपने को फायदा कहां से उठाना है, ए आ जाएगा, सी के आते ए आ जाएगा, अब ए के आते ही क्या हो जाएगा, ए और सी के आते ही बी आ जाएगा, और अब ये खुल गया, सही है ना। अरे ये ऊन का गोला होता है ना, जिसका पहला छोर कहाँ है वो देखना है इसको बहुत देर तक, ये पक्का है कि खुलेगा कहीं से, हटा लो इसको, है ना, क्योंकि ऐसे कोई बहुत टॉप क्वेश्चन नहीं था, बट इट इज वेरी श्योर क्या क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग था। एनीवे पेपर में देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं, बच्चा ढूंढता ही रास्ता कहाँ से है, पक्का है आंसर तो आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में अपने ख्याल पेश कीजिए, हो गया या नहीं हुआ, हो गया, सेम है क्या क्वेश्चन, हाँ ये सही में सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बस उसने 14 की जगह 21 कर दिया, अब तो कर लोगे आप, ठीक है। अब अपन आगे चलें।